वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ की, अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाशिक समावयवता। चैप्टर का नाम है त्रिविमीय रसायन, यूनिट 16, रसायन विज्ञान सेकंड। देखो भी अपने पहले बात कर चुके हैं ज्यामितीय समावयवता के बारे में, उसमें अपनों ने पढ़ा था उनमें अनुसूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र समान होते हैं, यही प्रोसीजर इसमें है। प्रकाशिक समावयवता में ही संरचना सूत्र समान होते हैं तथा अनुसूत्र समान होते हैं। ज्यामितीय समावयवता में अपनों ने पढ़ा था उसमें जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है वो भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पे जो प्रकाशिक समावयवता है उसमें प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो इसको अपने कैसे परिभाषित कर सकते हैं, वह समावयवता जिसमें समावयवी, वह समावयवता जिसमें समावयवी के क्या क्या समान होते हैं, मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ। एक तो समान होते हैं अनुसूत्र, क्या चीज समान होते हैं, अनुसूत्र समान होते हैं समावयवी के। दूसरी क्या चीज समान होती है भाई, एक तो हो गया अनुसूत्र समान, दूसरी समान होती है संरचना सूत्र समान होता है। संरचना सूत्र समान, तीसरी क्या चीज समान होती है इसमें, तीसरा और ऐड कर रहे हैं अपने, तीसरा समान होता है इसमें रासायनिक गुण समान। तो भिन्न भिन्न क्या होता है इस समावयवता में, ये तीनों चीजें समान होती हैं, परिभाषित करना बहुत ही आसान। भिन्न भिन्न क्या होते हैं इसमें, भिन्न भिन्न होते हैं प्रकाशिक गुण, प्रकाशिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न अलग अलग। देखो भाई तो परिभाषा होगी बहुत ही सिंपल, जैसे ज्यामिति समावयवता में ज्यामिति व्यवस्था भिन्न भिन्न थी, वैसे ही प्रकाशिक समावयवता में क्या क्या भिन्न हो जाएगा, प्रकाशिक समावयवता में हो जाएंगे प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, परिभाषा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं क्या होती है प्रकाशिक समावयवता, वह समावयवता जिसमें समावयवी के अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान तथा रासायनिक गुण समान, प्रकाशिक गुण क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। इस परिघटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। अब अपने बात यहाँ पे बेसिक की आती है, सर प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न होने का क्या मतलब है, तो इस चीज को पता करने के लिए अपने यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जिससे अपने को पता लगेगा प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न कैसे हैं। तो प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न को समझने के लिए सबसे पहले अपने इसमें पढ़ेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने इस समावयवता वाले चैप्टर का, समतल ध्रुवित प्रकाश। हाँ, आगे आप जैसे कोचिंग वगैरह जाओगे, आगे बड़ी बड़ी क्लासों में आगे पढ़ने जाओगे बड़ी क्लासों में, तो इसको पीपीएल बोलते हैं शॉर्ट में आजकल। पीपीएल का मतलब होता है प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, आजकल पीपीएल बोलने लग गए इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो समतल ध्रुवित प्रकाश होता क्या है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे अपने, उस डायग्राम से समझेंगे। देखो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ एक साधारण प्रकाश, इसको बोलते हैं साधारण प्रकाश, बहुत नाम है इनकी, थोड़ा सा इसके बारे में जनरल बातें करेंगे अपनी, साधारण प्रकाश।
और ये जो साधारण प्रकाश होता है ना वो एक ही रंग का होता है, एक ही रंग का लेते हैं, इसलिए अपने बोलते हैं इसको एक वर्णी प्रकाश। जब इसको किसी निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं तो निकोल प्रिज्म रिप्रेजेंट कर देंगे अपने यहां पे निकोल प्रिज्म। अब थोड़ा सा समझते हैं, मैंने तुम्हें बताया था थोड़ा समझाएंगे अपने, ऐसे बात नहीं करेंगे सीधे। सबसे पहले साधारण प्रकाश क्या होता है, देखो वह प्रकाश जो क्या करता है, सभी दिशाओं में कंपन करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है सभी दिशाओं में कंपन करता है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, अपने एक रंग का प्रकाश लेते हैं, इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, एक वर्णी प्रकाश। तो समझ में आ गया, वह प्रकाश जो सभी दिशा में कंपन करता है उसको अपने कौन सा प्रकाश बोलते हैं, यहाँ पे साधारण प्रकाश। जब इसको किसी निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं तो अब देखो निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म में थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, इंटरनल वैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखो इसमें इस टाइप की भी स्ट्रक्चर्स हो सकती है, या इस टाइप की, या मान लेते हैं वैसे समझाने के लिए इस टाइप की होती है या इस टाइप की। अब मान लो मैंने यहां से प्रकाश को गुजारा, अब मान लो ये प्रकाश का है, प्रकाश इसमें आपतित हो रहा है, यहां पे देखो प्रकाश को गुजारा है, जैसे गुजारूंगा तो ऐसे गुजारूंगा, क्या प्रकाश चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ऐसे गुजारूंगा इसमें चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अगर मैं ऐसे गुजारूंगा तो चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो प्रकाश कौन सा जाएगा, एक ही तल वाला जाएगा, ये वाला। आगे देखो ऐसे ऐसे जाएगा तो इसको पार कर लेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो साधारण प्रकाश का एक गुण था सभी दिशाओं में कंपन करने वाला, वो गुण किस में बदल जाता है, एक ही तल में कंपन करने वाले गुण में बदल जाता है। तो यहाँ पे जो एक वर्णी प्रकाश है जिसको अपने साधारण प्रकाश बोलते हैं और इसको निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं तो प्रकाश का तल एक ही दिशा में कंपन करने लगता है। तो एक ही दिशा को रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे, आगे क्या बात समझ में। और इसी को ही अपने क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवीय प्रकाश। इसी को ही अपने क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवीय प्रकाश। अगर आ जाए परिभाषा देखो भी, जब किसी एक वर्णी प्रकाश या साधारण प्रकाश भी यूज कर सकते हो, जब किसी एक वर्णी प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्रकाश का तल एक ही दिशा में कंपन करता है, इस प्रकाश को अपने क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवीय प्रकाश। यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, इस साधारण प्रकाश को आप अध्रुवीय प्रकाश भी बोल सकते हो। कौन सा प्रकाश बोल सकते हैं अपने, अध्रुवीय। तो सीधा सा मतलब है निकोल प्रिज्म में गुजारने के उपरांत जो अध्रुवीय प्रकाश है वो किस में बदल जाता है, ध्रुवीय प्रकाश में। समझ में आ गया क्या, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ भी कंप्लीट, प्रकाशिक समावेशिता और समतल ध्रुवीय प्रकाश। आगे बात समझ में, अब देखो यहाँ पे अब देखो ये जो समतल ध्रुवीय प्रकाश है ये ही प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न प्रदर्शित करता है। देखो कैसे, देखो अगर समतल ध्रुवीय प्रकाश को किसी कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक में से गुजारा जाए तो कार्बनिक यौगिक
प्रकाश के तल को दाई या बाई ओर घुमा देता है। तो एक ही योगिक है, जैसे लैक्टिक कमल है, तो लैक्टिक कमल क्या कर रहा है, एक लैक्टिक कमल तो क्या कर रहा है, समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को घुमा रहा है दाई ओर, और दूसरा लैक्टिक कमल है, गुण वही है, सूत्र वही है, संरचना सूत्र वही है, वही प्रकाश के तल को क्या घुमा रहा है, बाई ओर। तो एक ही योगिक में दो प्रॉपर्टीज होगी, एक योगिक क्या कर रहा है, समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को दाई ओर घुमा रहा है, और एक ही योगिक वही संरचना सूत्र समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को क्या घुमा रहा है, बाई ओर। तो एक ही योगिक में दो प्रॉपर्टीज हो गई, प्रकाशीय गुण दो हो गए, एक तो तल को दाई ओर घुमा रहा है और एक बाई ओर। इसी के आधार पे इनको दो भागों में बांटा गया है। देखो भाई, एक तो योगिक, उन यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण ध्रुवन घूर्णक यौगिक। अभी दक्षिण ध्रुवन घूर्णन की खास बात क्या होती है, मैं फिर से बोल देता हूं, वे पदार्थ जो समतल ध्रुवीय प्रकाश को, जो समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को कहां पे घुमा देते हैं, दाई ओर घुमा देते हैं। यहां पे आप ये भी बोल सकते हो घड़ी की सुई की दिशा में। इस प्रकार के योगी को अपने क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक यौगिक। तो देखो भाई, सबसे पहले समतल ध्रुवीय प्रकाश बनाएंगे, जो अपनों ने बनाया था, सबसे पहले पढ़ा था, यहाँ पे समतल ध्रुवीय प्रकाश बना लेंगे, ये हो गया समतल ध्रुवीय प्रकाश। अब इसको किसी भी विलयन कार्बनिक यौगिक में से गुजारते हैं, ये बना लो थोड़ा सा विलयन ऐसे, ठीक है, यौगिक या विलयन। ये कौन सा है, समतल ध्रुवीय प्रकाश, आप देखो समतल ध्रुवीय प्रकाश को किसी कार्बनिक यौगिक में गुजारने पर वह कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को किधर घुमा देता है, दाई ओर। इसको अपने क्या बोलते हैं, दाई ओर घुमा देता है। इस पदार्थ को अपने क्या बोलते हैं, इस यौगिक को कौन सा यौगिक बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक यौगिक। आगे क्या बात समझ में, समतल ध्रुवीय प्रकाश विलयन में गुजारने पर क्या कर देता है, वह विलयन या कार्बनिक यौगिक पदार्थ क्या कर देता है, समतल ध्रुवीय प्रकाश को कहाँ घुमा देता है, दाई ओर। ठीक है, इसी को घूमने को बोलते हैं दक्षिण ध्रुवन घूर्णन। देखो वर्ड में ध्यान रखना, पदार्थ को बोलते हैं दक्षिण ध्रुवन घूर्णक, घूमने को क्या बोलते हैं, भी दाई ओर घूम गया, इसको बोलते हैं दक्षिण ध्रुवन घूर्णक। अब इसको अपने प्रदर्शित करते हैं स्मॉल डी से, क्यों करते हैं, क्योंकि दक्षिण ध्रुवन को अपने बोलते हैं दक्षिणावर्त, जिसको अपने बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इंग्लिश में बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इसलिए इसको अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं स्मॉल डी से, और इसको किससे प्रदर्शित कर सकते हो आप, प्लस से, क्योंकि ये घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है आगे, जिसको अपने बोलते हैं क्लॉकवाइज। यहाँ तक बोलो समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल वर्ड है। अपने क्या करते हैं, समतल ध्रुवीय प्रकाश है, अगर उसको किसी पदार्थ या विलयन में से गुजारने पर
वो पदार्थ या विलयन उसको दाई ओर घुमा दे, उसको अपने क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक। आगे बात समझ में, यदि बाएं ओर घुमा दे उसको अपने क्या बोलते हैं, वाम ध्रुवन घूर्णक। आगे क्या बात समझ में, देखो भाई नेक्स्ट समझ में आ गया, अंडरस्टूड। आगे देखो भी नेक्स्ट आ जाएगा अपने वाम ध्रुवन घूर्णक। इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। अब समतल ध्रुवित प्रकाश लिया किसी विलयन में से गुजारेंगे, गुजारने के उपरांत क्या हो जाएगा, प्रकाश का तल बाई ओर घूमता है, समतल ध्रुवित प्रकाश का तल तो बाई ओर अपने प्रदर्शित कर देंगे इधर की तरफ। आगे बात समझ में, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, क्यों करते हैं, लीवो रोटेटरी बोलते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं साथ में, माइनस से, तो इनको लिख कैसे सकते हैं अपने, देखो दक्षिण ध्रुवन। अब वही बात होगी, परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, यदि किसी समतल ध्रुवित प्रकाश को कहाँ पे गुजारने पर, किसी विलयन में से गुजारने पर, यदि वह कार्बनिक यौगिक या विलयन उस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाई ओर घुमा दे, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस यूज किया है अपनों ने, उसको अपने क्या बोलते हैं, वाम ध्रुवन घूर्णक। तो यहाँ पे अपने प्रकाशिक गुण क्लियर हो गया भाई, इसी के लिए मैंने इतना पढ़ाया है, आपके सिलेबस में भी है। यहाँ पे अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, रासायनिक गुण समान, प्रकाशिक गुण क्या क्या भिन्न हो गया, एक वो ही यौगिक है, मान लो एक ही प्रकार का यौगिक है, मान लो लैक्टिक अम्ल लिया अपनों ने। अब लैक्टिक अम्ल यहां पे ले लिया, लैक्टिक अम्ल का विलयन अगर उसको समतल ध्रुवित प्रकाश में से गुजारेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश को इसमें मान लो लैक्टिक अम्ल में गुजार रहे हैं, तो एक लैक्टिक अम्ल दाई ओर घुमा रहा है और एक बाई ओर, तो एक ही यौगिक है जिसका अणुसूत्र समान है, संरचना सूत्र समान है, रासायनिक गुण भी समान है, परंतु प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न हो गए। प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न होने का मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति घूर्णन क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न, एक दाई ओर घूमता और एक बाई ओर। आगे क्या बात समझ में, उसको अपने क्या बोलते हैं, वाम ध्रुवन घूर्णक। आगे बात समझ में, अब देखो नेक्स्ट, इसी के अंदर ही पढ़ रहे हैं अपने ध्रुवण गुणकता। क्या पढ़ेंगे अपने ध्रुवण गुणकता, क्या होती है ध्रुवण गुणकता, देखो भी अपने इसमें यौगिक के बारे में बात करते हैं, वह यौगिक। आगे क्या बात समझ में, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाई ओर या बाई ओर घुमाता है, वह यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाई ओर या बाई ओर घुमाता है, उस यौगिक को बोलते हैं ध्रुवण घूर्णक यौगिक, उसको अपने क्या बोलते हैं, ध्रुवण घूर्णक। वर्ड थोड़े अजीब से हैं, ध्यान से समझ लेना, ये हिंदी मीडियम में ऐसा है, इंग्लिश मीडियम में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ध्रुवण घूर्णक, तो जो विलयन लिया था वो ध्रुवण घूर्णक है, सीधी सी बात है। तो वह यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाएं या बाएं ओर घुमाता है, उस यौगिक को अपने कौन सा यौगिक बोलते हैं, ध्रुवण घूर्णक यौगिक। आगे क्या, और इस गुण को अपने क्या बोलते हैं, ये जो गुण प्रदर्शित कर रहा है उसको अपने बोलते हैं ध्रुवण घूर्णकता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। यहाँ पे क्या होता है, अपने को पता है एक यौगिक लेता है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाई और बाई और घुमाता है, उस यौगिक को अपने कौन सा यौगिक बोलते हैं, ध्रुवण घूर्णक यौगिक।
और वह यौगिक जो ये गुण प्रदर्शित करता है, इस गुण प्रदर्शित करने को अपने क्या बोलते हैं, ध्रुवण घूर्णकता। अब यहां से भी एक परिभाषा निकलती है, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश की तल को न दाई ओर घुमाते हैं न बाई ओर घुमाते हैं, उनको अपने बोलते हैं ध्रुवण अघूर्णक। अब इनमें एक वर्ड और है, वो देखते हैं हिंदी मीडियम में कई बार पूछ लेते हैं, जो प्रकाश की तल को घुमा देते हैं उसको बोलते हैं प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। ये भी और बुक में नाम लिखा हुआ है तुम्हारे, ये भी बता देता हूं, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। और इनको बोलते हैं प्रकाशिक अक्रिय यौगिक, ये तो है ही नहीं अपने सिलेबस में। अब ध्रुवण घूर्णकता का एक नाम और है, क्योंकि बुक में कभी प्रकाशिक नाम लिख देते हैं और कभी ध्रुवण घूर्णकता, इसको अपने बोलते हैं प्रकाशिक सक्रियता और बोलते हैं। ये हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम है थोड़ी, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रकाशिक सक्रियता, तो वह यौगिक जो प्रकाश की तल को दाई ओर तथा बाई ओर घुमा देता है उसको अपने क्या बोलते हैं, ध्रुवण घूर्णक यौगिक। और इस यौगिक को अपने दूसरा नाम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। वह यौगिक जो प्रकाश के तल को दाई और बाई और नहीं घुमाता है उसको अपने बोलते हैं ध्रुवण अघूर्णक यौगिक, इसको अपने प्रकाशिक अक्रिय यौगिक भी बोलते हैं। दोनों के नाम अलग अलग है, ध्रुवण घूर्णकता भी बोलते हैं और इसको भी क्या बोलते हैं, प्रकाशिक सक्रियता यौगिक। आगे गया बात समझ में, एनी प्रॉब्लम? अब अपने करते हैं नेक्स्ट, देखो भी इसी के अंदर ही चल रहे हैं अपने अणुसूत्र समान संरचना सूत्र समान। तो अपने भाई डायग्राम देखते हैं सर, अब सब कुछ देखो भी, फिर से कुछ एक बतानी है, एक चीज देखो भी। अब अपने देखो, सबसे पहले अपने ने क्या लिया था यहां पे, साधारण प्रकाश, इस साधारण प्रकाश को किससे गुजारा था, निकोल प्रिज्म से। क्या बन गया था अपना, समतल ध्रुवित प्रकाश। और इसको किसी विलयन में से गुजारते हैं, तो दो प्रकार के विलयन बना रहा हूं इधर, एक दाई ओर घुमाता है और एक बाई ओर, ठीक है। नाम लिख देता हूं थोड़ा, फिर से रिपीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक ही रंग का प्रकाश लेते हैं, साधारण प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश। यहां पे क्या लिया है, ये निकोल प्रिज्म। हाँ, यहां पे क्या बन गया, ये समतल ध्रुवित प्रकाश। दो गुण प्रदर्शित कर रहा है, एक तो प्रकाश के तल को घुमाता है दाई ओर,
इसको बोलते हैं डी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। योगी को बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, आगे बात समझ में। और घूमने को क्या बोलते हैं? दक्षिण ध्रुवण घूर्णन, आगे बात समझ में। मैं हिंदी में भी नाम लिख देता हूं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये एल वाम ध्रुवण घूर्णक, रिप्रेजेंट और कर देते हैं इसको। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करते हैं, वही प्रोसेसिंग आगे पूरी। एक ही यौगिक है, इसका अणुसूत्र समान है, मगर दोनों यौगिकों में यौगिक वही है, उसका अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान। मान लो लैक्टिक एसिड है, एक तो डी लैक्टिक एसिड है और दूसरा क्या है? एल लैक्टिक एसिड। रासायनिक गुण भी समान है दोनों की, मगर कोनो एक यौगिक क्या कर रहा है? प्रकाश के तिल को कहां घुमा रहा है? दाई ओर। दूसरा कहां घुमा रहा है? बाई ओर। अब मान लो मैं 50% इस विलयन को ले लूं, 50% इस विलयन को ले लूं, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? 50% तो मैंने लिया ये, मतलब दोनों की समान मात्रा लेनी है। 50% मैंने ये ले लिया, दोनों को मिश्रित करके एक नया विलयन बनाया इधर, इसको बोलते हैं रेशमिक मिश्रण। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूं, अपनों ने क्या किया, 50% तो वो विलयन लिया जो प्रकाश की तल को दाई ओर घुमाता है, 50% मैंने वो विलयन लिया जो प्रकाश की तल को बाई ओर घुमाता है, दोनों के 50-50% लेके एक नया विलयन बनाया जिसको अपने बोलते हैं रेशमिक मिश्रण। अब देखो यहाँ पे रेशमिक मिश्रण क्या होता है, प्रकाशिक अक्रिय यौगिक होता है। इसमें खास बात क्या होती है, अब देखो दोनों गुण आ गए इसमें, दाई ओर के गुण भी आ गए और बाई ओर के भी गुण आ गए, तो ये कहाँ जाएगा मुझे ये बताओ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक मुझे इधर से भी खींच रहा है और एक मुझे इधर से भी खींच रहा है, तो मैं कहां पे मिलूंगा बताओ? एक मुझे दाई ओर घुमा रहा है और एक बाई ओर घुमा रहा है, तो मैं कहां पे मिलूंगा तुम्हें, मैं बताओ? हाँ भाई, मैं क्या कहीं भी गुणित नहीं होऊंगा, प्रकाशिक अगुणित तो हो जाऊंगा। इसका मतलब जो रेशमिक मिश्रण होता है वो क्या होता है? प्रकाशिक अक्रिय है। पढ़ाते कैसे है? आपको पता लग गया, 50% डी ले लेंगे और 50% क्या ले लेंगे अपने? एल। एनी प्रॉब्लम? ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे।